हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू के सीरीज में आज हम जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, ये काफी यूजफुल है। और जैसा मैंने कहा था, कई बार हम ड्रग को उसके कलर के हिसाब से ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं, गाँव में तो ये होता है। उसके हिसाब से देखिए, आपको ये कलर दिख भी रहा होगा। आज का जो टैबलेट है, इसका नाम मैं आप ही को दिखा दूं, ये है आपका ब्रूफेन। और यहाँ पे इसका जो कंसेंट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ पहले, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपका ब्रूफेन है, ये 200 mg है। इसके अलग कंसेंट्रेशन भी आते हैं मार्केट पे, बट अपने को कंसेंट्रेशन से मतलब नहीं है, हमारा काम उसके मेन इंग्रेडिएंट से, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से है। उसके बाद देखिए, इस ब्रूफेन तो ब्रांड नेम हो गया, इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यह है आपका आइबुप्रोफेन, और इसको बनाने वाली कंपनी है आपका अबॉट फार्मा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस लिए यूज किया जाता है। ये जो ब्रूफेन है, ये मेन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका NSAID, यानी कि ये एक प्रकार से बोला जाए एक ऐसा ड्रग है जिसके अंदर बेसिकली तीन प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। पहला, एनाल्जेसिक एक्टिविटी, जो कि आपके पेन को कम करने का काम करेगा। दूसरा, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, यानी कि स्वेलिंग सूजन को कम करने का काम करता है। तीसरा होता है एंटीपायरेटिक, जो कि फीवर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक कैटेगरी ऐसी है जो ये क्लारीफाई करती है कि कुछ ड्रग ऐसे हैं जिनमें काफी अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी पाई जाएगी, अच्छी अच्छी एनाल्जेसिक एक्टिविटी पाई जाएगी, बट एंटीपायरेटिक नहीं पाई जाएगी। जबकि दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर अच्छी खासी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी पाई जाएगी और थोड़ा थोड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक एक्टिविटी पाई जाएगी, तो वेरिएबल है। इसका एग्जांपल आप जानते हैं, वह है पैरासिटामोल। तो आज का जो ड्रग है आपका ब्रूफेन, इसके अंदर का आपका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है आइबुप्रोफेन, ये NSAID के कैटेगरी का एग्जांपल है, जो कि आपके पेन को कम करने का काम करता है। NSAID के अंदर तीन सब कैटेगरी होती है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रीफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, और तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। ये सब क्या है, इनकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं अपनी जानकारी को बूस्ट करने के लिए, तो हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे आकर के सर्च कर सकते हैं NSAID पर सोशल फार्मेसी, और उस चैनल का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बात करता हूं कि ये किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। NSAID के अंदर जो पहली कैटेगरी है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, उसका एग्जाम्पल है आपका ये आइबुप्रोफेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना होता है, आइबुप्रोफेन नॉन सेलेक्टिव है इसलिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या है, जब कभी भी आपकी बॉडी में पेन होता है तो उस पेन के पीछे का जो कारण है वह है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है कॉक्स 1 से या तो कॉक्स 2 से। कॉक्स 1 कॉन्स्टिटेटिव इन नेचर होता है, जिसको हम लोग हाउसकीपर भी बोलते हैं, और ये आपकी बॉडी में जो एसिड के कारण से प्रॉब्लम होती है उसको बचाने के लिए बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करने का भी काम करता है। जबकि कॉक्स 2 का काम अभी ये नहीं है, कॉक्स 2 आपके इंजरी के केस में जनरेट होता है और ये फिर आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोशिश हमको करनी होती है कि कॉक्स 2 को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट किया जाए, उस पे कारण से आपको साइड इफेक्ट ना दिखे। बट ये जो ड्रग है आपका कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर सकता है, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है, तो इसके कारण से आपका पेन तो चला जाएगा क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं रहा। लेकिन दिक्कत हो सकती है कि आपको अल्सर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, गैस्ट्रिक में आपके जो पेट है इस पर डिस्कंफर्ट की प्रॉब्लम देख सकती है। डिस्कंफर्ट के साथ साथ आपको जलन, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन, वोमिटिंग, नोजिया, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है, क्योंकि ये कॉक्स 1 को भी अफेक्ट करता है। इसका यूज हम कब करते हैं, इसका यूज हम करते हैं जब कभी भी आपकी बॉडी में पेन हो रहा हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, उसके केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। डोज के बारे में मैं कभी डिस्कस नहीं करता हूं, कितना डोज लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक फार्मासिस्ट कभी भी आपको ड्रग का डोज एक्सप्लेन नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। इससे सेल्फ मेडिकेशन को आपको प्रमोशन मिलता है, जो कि हम बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। हम ये केवल बता रहे हैं कि आप जान सको कि जो टैबलेट आप यूज कर रहे हो एज पर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर वो कैसे काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, ताकि आपकी जनरल नॉलेज बूस्ट हो सके। अगर आप जनरल पब्लिक हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके सिलेबस में तो यह ही है, और हमारा काम भी आपको अच्छे से एजुकेट करना है सिंपल लैंग्वेज में। तो आज का जो हमारा ड्रग था वह है आपका ब्रूफेन 200 mg, आपके पेन किलर के लिए काफी अच्छा ड्रग में से एक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हेड आर गेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।